أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته My dear students, last time in lecture number 6 we had discussed self-induction, self-induced EMF and self-inductance which is represented by capital L. Now we are going to discuss what are the basic parameters, what are the basic quantities upon which self-inductance depend. ठीक है, तो we are going to study factors affecting self-inductance या expression for self-inductance in terms of known quantities. देखिए, ये हमारे पास है कॉइल which is a type of spring या solenoid. ये rheostat है, this is battery. आपको पता है conventional current battery के positive से negative की तरफ flow कर रहा है. When a constant current is passing through this coil, तो constant current का मतलब है constant B. Constant B का मतलब है constant magnetic flux. The change in magnetic flux will be zero. The induced EMF according to the Faraday's law will be zero. Lekin remember, if you are going to change the resistance of this circuit by this rheostat, if you are changing R brings a change in current is responsible for change in B and change in B is responsible for magnetic flux. According to the Faraday's law of electromagnetic induction, whenever you change the magnetic flux, there will be induced EMF. ठीक है? तो आप लोग देखिए, ये करंट इस कॉइल से इस डायरेक्शन में गुजर रहा है लाइक दिस. तो इसका मतलब है कि इसका ये वाला जो फेस है, दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ, और मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ से निकल कर साउथ की तरफ वापस आ जाती है. तो ये कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड में फड़ी है. सो व्हेन एवर द करंट इन दिस कॉइल इज चेंजिंग और द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है. ठीक है, यानी सेल्फ इंडक्शन टेक्स प्लेस. उस सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटीज. याद रखें, अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, ये इस तरह है, इसका ये साइड अगर आपको नजर आ रही है, नीचे है ये ऊपर, देखिए ये साइड नीचे है ये ऊपर है, तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है. देखें, द करंट इज पासिंग लाइक दिस है. ये इस सोलोनॉइड का एक लूप है, तो देखिए करंट इज पासिंग लाइक दिस, करंट इज पासिंग लाइक दिस. तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है, और याद रखिए, विच व्हाट इज बेसिकली कॉइल, व्हाट इज बेसिकली सोलोनॉइड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्न्स. दिस इज वन टर्न, फिर अनदर 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 लाइक दिस. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टर्न्स को हम कॉइल कहते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ सोलोनॉइड. क्लियर? सो व्हेन एवर द करंट चेंजेस इन दिस सर्किट, तो व्हाट हैपेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ. ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा पहले भी हमने किया हुआ था, लेकिन दोबारा देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है माइनस एन एंड दिस इज डेल्टा फाई सब एम डिवाइडेड बाय डेल्टा डी. आई कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस डेल बाय डेल टी एंड दिस इज एन फाइव एम. दिस इज इलेक्ट्रिक इक्वेशन नंबर वन. व्हाट इज दिस? फ्लक्स लिंकेज. दिस इज फ्लक्स लिंकेज. व्हेन एवर द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी आर गेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ एंड दिस नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द लेंज़ लॉ. ये हमने लास्ट टाइम डिटेल में पढ़ा था, लेकिन देखें इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है माइनस एल एंड दिस इज डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी. सही है? अगर इसे आप इस तरह लिखें कि माइनस एल
sorry, minus del by del t, and this is L into I. This is equation number 2. Equation number 1 or 2 compare karo. So, dekhi, we will get L. Equation number 1 or 2 compare karein, to minus del by del t, and this is L into I, and this could be written as minus del by del t and n into phi n. Dekhi, this negative is drawn with negative, or del by del t, del by welcome back. आज़ान हो रही थी तो हमने इसे थोड़ा सा पॉज किया था. देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करें तो देखिए, दिस टाइम ऑपरेटर इज कैंसल्ड विद दिस, नेगेटिव इज डॉन विद नेगेटिव, सो वी आर लेफ्टिंग विद एल आई और यहाँ पे एन इंटू फाइव सब एम. So L is equal to n phi m divided by I. This is the equation for the self-inductance of a coil. ये हमने last time भी पढ़ा था, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये phi sub m I वगैरह ये eliminate करते हैं. Clear? तो look at. ये जो phi sub m है, this could be written as B dot A. Okay, so magnetic flux is B A into cos theta. अगर आप theta को 0 consider करें, तो this is B A. When theta is 0, cos 0 is 1. So this is B A. For example, देखिए, इस loop का जो normal है, वो इस direction में है. Magnetic field line यहाँ से निकल रही है. So they are parallel. So we can say angle is taken to be 0 and this is BA. ठीक है, इस वैल्यू को आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें. ठीक है, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, वो सॉल्व करो. सो वी आर देखें, we get L is equal to N और इसकी जगह लिखो B A divided by I. This is let equation number 5. लेकिन according to chapter number 3 Ampere's law के application में हमने पढ़ा था. ठीक है, Ampere law हमने solenoid को apply किया था, तो ये B बराबर है म्यू नॉट इंटू एन आई. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन 6 को 5 में पुट करो तो एल आ जाएगा. दिस इज एन और बी की जगह लिखो म्यू नॉट एन इंटू आई. और अब देखिए, दिस इज ए डिवाइडेड बाई आई. अब देखिए, ये आई आई के साथ कैंसिल करो तो ये एल आ जाएगा. एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन इन टू ए. याद रखिए, म्यू नॉट का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, म्यू नॉट का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. लेकिन रिमेंबर, अगर इस कॉइल को आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाइंड अप करें, ठीक है, रेप करें, वाइंड अप करें, मसलन इसके अंदर अगर आप किसी आयरन रॉड को रखें, तो आयरन आपको पता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है. तो फिर दिस म्यू नॉट, याद रखिए, दिस म्यू नॉट इज देन रिप्लेस्ड बाय म्यू. म्यू का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम. दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ अ मटीरियल मीडियम. So L is equal to mu, this is N, N into A. Please remember, a small n का मतलब है number of turns per unit length. ठीक है, ये जरा साफ करो.
स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, शाबाश। अगर आप इधर पुट करें तो एल इज इक्वल टू म्यू, दिस इज एन, इधर लिखो एन डिवाइड बाय एल एंड दिस इज ए, ठीक है। इस स्मॉल एन की जगह मैंने लिखा कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, तो देखिए दिस कुड बी रिटन एज म्यू एन स्क्वेयर डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय ए। याद रखिए दिस इज वन इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा मेन टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्वांटिटीज हैं, पैरामीटर्स हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस को अफेक्ट करती है, मुतासर करती है। तो लुक एट, इसी वजह से कि इसमें L भी है इसमें N भी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इसे मैं इस तरह लिखूँ L इज इक्वल टू म्यू, देखिए दिस इज N स्क्वेयर। याद रखिए अगर आप इसको L से मल्टीप्लाई करें और L से डिवाइड भी करें तो देखिए ये L स्क्वेयर हो जाएगा। इधर मैंने L से मल्टीप्लाई किया और अब देखिए नीचे भी इस L को मैंने L से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी L स्क्वेयर। तो L इज इक्वल टू म्यू एन, सॉरी दिस इज एन डिवाइडेड बाय एल होल स्क्वेयर, दिस इज एल इन टू ए। लेकिन आपको पता है कि एन बाय एल बराबर है एन के, तो दिस इज एल इज इक्वल टू म्यू और दिस इज स्मॉल एन स्क्वेयर एल इन टू ए। दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अच्छा अब जरा देखिए देखिए म्यू का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल अपॉन विच द ट्रायल इज रोटेटेड, द ट्रायल इज वाइंडेड अप या वाउंडेड अप, इज इट। तो याद रखें अब किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, तो याद रखें नंबर वन इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ट्रायल, शेप। अगर इस शेप को आप चेंज करें, मसलन सोलेनोइड की जगह टोराइड ले लें, स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगल ले लें, सर्कुलर ट्रायल ले लें, शेप पर भी डिपेंड करता है, रिमेंबर। नंबर टू इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन याद रखें यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स असल चीज नहीं है, असल चीज है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखिए असल चीज है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इस कैपिटल एन की जगह मैं इधर लिखता हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर कम लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इसमें फायदा यह होगा कि अगर कम लेंथ में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, देखिए दिस इज वन टर्न, इसके नजदीक एनदर 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 एनदर, तो इसका फायदा यह है कि इस एक लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ ऐड। तो देखिए लीकेज ऑफ द लाइन्स डजंट टेक प्लेस, यानी लिंकेज बढ़ जाती है, लीकेज कम लिंकेज। जितने भी ये नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो एक लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, वो ऐड यानी लिंक अप करती है, ऐड हो जाती है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर। लुक एट इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, याद रखिए एरिया पर भी डिपेंड करता है। ए फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ट्रायल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो ज़्यादा इसके ऊपर ईजिली फॉल नहीं करती। देखिए ये एरिया आप जितना ज़्यादा करें तो तमाम लाइन्स जो है इसके साथ लिंक अप हो जाती है, तो एरिया पर डिपेंड करती है।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड करती है, और नंबर फोर रिलेटिव परमेबिलिटी या परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर इस रॉड की आयरन की परमेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली रिलेटिव परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान रेशो को रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। तो याद रखिए जो सेल्फ इंडक्टर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो शेप पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, ए पर, और परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल यानी ऑफ द मीडियम अपॉन विच द कॉइल वॉज वाउंडेड या रोटेटेड। अच्छा, आप लोगों के बुक में लिखा है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो याद रखिए इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज के बराबर है, डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी के बराबर है। क्लियर, ये इसके बराबर है। और आपको पता है कि एल बराबर है माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। देखिए ये जितना ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम है तो ये भी कम होगा, तो एल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। याद रखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो न इस डेल्टा आई बाय डेल्टा टी पर डिपेंड करता है न इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड करता है। क्लियर, क्योंकि ये अगर ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा, लेकिन अगर आप किसी तरीके से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा करें नॉट बाय दिस बाय समथिंग एल्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आप किसी तरीके से ज़्यादा करें तो फिर ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ये बढ़ जाती है। तो याद रखिए आपकी बुक में लिखे कि इस पर डिपेंड करते हैं, तो इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितना भी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा यानी डेल्टा आई बाय डेल्टा टी ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, तो दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जिस तरह देखिए चैप्टर नंबर टू में हमने पढ़ा था कि क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। अगर किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, चार्ज कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, तो ज़्यादा बाय ज़्यादा और कम बाय कम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो कैपेसिटी न चार्ज पर डिपेंड करती है न पोटेंशियल डिफरेंस पर, इट डिपेंड्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। और अगर एप्सिलॉन नॉट को आप एप्सिलॉन से रिप्लेस करें विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ अ डायलेक्ट्रिक मटीरियल, तो एरिया ऑफ द प्लेट्स पर डिपेंड करती है, परमिटिविटी पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप देखें एक बात आप याद रखें, इट डिपेंड्स अपॉन परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आप देखें क्या नाम है एरिया पर, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि देखें अगर आप लेंथ ज़्यादा करें लेंथ ज़्यादा करें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम हो जाए। क्लियर, आप देखें ये इसमें ऑलरेडी लेंथ है n बाय l, ठीक है, सॉरी ये जो n का, इस n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो अगर आप ये l ज़्यादा करें तो ये कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली l रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन फॉर द सेम लेंथ अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करें तो ये एन बढ़ जाएगा, तो देयर फॉर वी कैन से, ठीक है ना, तो असल चीज जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो याद रखिए ये जो एल है इट डजंट डिपेंड्स अपॉन दिस स्मॉल एल, कैपिटल एल का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्मॉल एल का मतलब है लेंथ ऑफ दिस कॉइल, तो ये L कैपिटल L स्मॉल और L पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर स्मॉल L बढ़ जाते हैं तो फिर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने फिक्स रखे हैं और आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो ये ज़्यादा करें तो ये कम हो जाएगा। क्लियर, और ये कम करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से लेंथ असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्लियर, तो दीज आर द फैक्टर्स अपॉन विच सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। और याद रखिए इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला है इससे अक्सर MCQs भी आते रहते हैं, इस n स्क्वेयर को हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह लिखें म्यू n स्क्वेयर a डिवाइड बाय l फिर भी सही है,
और अगर आप स्मॉल n स्क्वायर l डिवाइड बाय a इसी फॉर्म में लेके तो डजंट मैटर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट और द वेरियस फैक्टर्स अपॉन विच कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।